हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले जो BCS होता है तो उसका स्कोप कैसा होने वाला है 2024 में। देखिए, अगर आप भी जो अभी BCS करना चाहते हो तो उसका स्कोप कैसे होने वाला है 2024 में, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले। देखिए, अगर आप अभी जो BCS में एडमिशन लेते हो तो पास आउट 2027 में होने वाले, तो इसका स्कोप उस समय के मुताबिक कैसे होगा, तब के हिसाब से जो इसका फ्यूचर कैसे होगा, इस सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है तो वो अभी जो 2025 तक ऐसा माना जा रहा है कि $350 बिलियन तक जाने वाली है। 350 जो बिलियन डॉलर, यहाँ पे बिलियन डॉलर है, तो वहां तक जाने वाली। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लाखों जो नए जॉब्स आपके लिए ओपन होने वाले। तो देखिए, जो BCS अगर आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि आपका जो स्कोप होने वाला है आईटी इंडस्ट्री के रिलेटेड, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और देखिए, BCS अगर आप करते हो तो आईटी सेक्टर में जा सकते हो, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आईटी सपोर्ट हो गया, या डेटा एनालिटिक्स, या अभी जो नए ट्रेंड आए हुए AI हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, EML, मशीन लर्निंग हो गया, ये भी यहाँ पे भी जो आप जा सकते हो तो काफ़ी अच्छा आपको स्कोप देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक तो काफ़ी आपको जो है यहाँ पे डिमांड रहने वाली है। तो वहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग जो सैलरी मिलेगी, जैसे कि अगर आप BCS करते हो तो स्टार्टिंग से ले आपको 3.5 लाख से लेके 8 लाख तक का पैकेज पर ईयर के लिए मिल जाएगा। तो पैकेज भी जो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और देखिए, अगर आप अभी एडमिशन लोगे तो 2027 में पास आउट होने वाले हो, तो उस हिसाब से भी जो स्कोप है BCS का वो काफ़ी अच्छा है। तो आप कर सकते हो, आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत आगे चल के नहीं आएगी प्लेसमेंट के लिए। हाँ, बट एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाने वाला है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में 2027 तक कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा, और उसका सोल्यूशन एक ही है कि आप जब BCS कर रहे हो तो आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज जितना हो सके उतना लेना पड़ेगा। आपसे जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा लेना, उतना लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ेगा कि प्लेसमेंट के वक्त बहुत सारे वहाँ पे लोग आने वाले। तो आपका अगर प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होगा तो आपको बहुत आसानी होगी प्लेसमेंट लेने में। तो आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज, और खास करके ये सब्जेक्ट DSA जो सब्जेक्ट होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट करना है। मतलब जितना हो सके उतना परफेक्ट इस सब्जेक्ट को करना है, क्योंकि प्लेसमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट में आते प्लेसमेंट में। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा आपको करना है। और इसके रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए होगी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा आपको जो है रिप्लाई करते रहता हूँ।